बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल चाल मेरे सारे भैन भरावान का। अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक हाँ, तो उम्मीद करनी तुम भी ठीक होवोगे। तो मेरे भैन भरा जितों कि मैंने वेखन दे देश परदेश चो, अल्लाह ताला तुम तंदुरुस्ती ता फरमाए, कामयाबियां ता फरमाए, लंबी जिंदगी ता फरमाए। इस ने एक दुआ देना अज्जी वीडियो शुरू करनी। वीडियो शुरू करने तो पहले मेरी ढाड़े की गुजारिश, मेरे चैनल में करो सबसक्राइब, मेरी वीडियो करो लाइक, तो भैन भरावान करो शेयर, तो जो घंटे का बटन उन्होंने भी दबा दो ताकि मेरी नवी वीडियो का नोटिफिकेशन ढाड़े तक पहुँच सके। कविवर सब तो पहले एक प्यारा जहा शेर जोड़ा मैं खुद आजाद किया है। अपन के दुख डाढ़े होंगे भुलते नहीं भुलाया भी, अपन के दुख डाढ़े होंगे भुलते नहीं भुलाया भी, जिनी भी इन्हें कोई जान छड़ाइए छड़ते नहीं है चाहें भी, जिनी भी इन्हें कोई जान छड़ाइए छड़ते नहीं है चाहें भी। तो ऐसे जोड़ा शेर मैं खुद आजाद किया। तो अज की जी वीडियो कुछ इस तरह है कि ए वेखो साढ़े ना बारिश के नाल इतनी जी मिट्टी जी रुड़ गई सी, असी मिट्टी सुटवाईए तो ऐ वे इतने असी सारी मिट्टी पाईए। मिट्टी रोड़ रोड़ के ना यह जी क्यारी बनाई सी ना बिल्कुल ए मिट्टी के बराबर हो गई सी, तो असी जी है ना फिर यह दौर बना दिता ताकि पानी लगे तो यह बूटे जरा ना पानी लग जाए। यह वेखो यह भी असी क्यारी बना के ना तो चार फिर इटा ला दी ताकि मिट्टी रोड़ के आन के ये जी है और क्यारी फिर ना माशाल्लाह एलोवेरा जैल है ना, यह थोड़ा एलोवेरा जैल माशाल्लाह बड़े बच्चे देती है। यह वेखो यह बच्चा दिता है, यह बच्चा दिता है, यह जरा बच्चा दिता व्डा हो गया, यह बच्चा दिता है, यह माशाला बहुत ज़्यादा बच्चे देती। तो माशाला कि प्यारी हुई है एलोवेरा जैल। यह छत के उत्ते उ गमलों के लाई सी, तो गमलों के जो वे वे बूटे हो गए ना तो गमलों से बाहर डिगी सी कि गमलों के उन्होंने जगह नहीं सी मिलती पी, तो फिर मैं उतों लिया के ना जो बच्चे इतने लाते तो मैं तीन चार सिर्फ पौधे लाए सन। तो वेखो माशाला कि बड़ी हो गई है ऐसा यह जरा ना इतने भी आया साडा परनाला इतों पानी रोड़ रोड़ के ना सारा टोया पिया से असी जी है ना थले मिट्टी लाती है, मिट्टी ला के तो असी उत्ते जड़िया ना इटा लाती ने ये उत्ते ना असी सिमट पा लेंगे कुछ। यह मिट्टी असी रखिए, यह मिट्टी असी रखिए, यह साड़ी मिट्टी जी है ना यह जो बारिश खत्म होंगे ना असी इतने मिट्टी पा के ना सारे तो फिर असी इतने जरा है ना पा लावे। यह भी जरा है ना सारी क्यारियाँ बिल्कुल इस जमीन के बराबर हो गई सी, तो वह भी असी जी है ना असी इतने भी डूंगी करके ना क्यारियाँ सारी जगह बनाती है ताकि इन्हों मेरा पानी जरा सौखा हो जाए, पानी जरा है ना कि बाहर ना निकले। यह जो सा पसीना है ये ना साढ़े जोड़े असी छोटे छोटे कुत्ते रखे है ना वो इतने आन के वड़ जाते पदीना खराब करते असी चार फेरे ना यह सोटियां ला दी ताकि अगे ना नंगन। तो यह जी अंगूर की वेल है ना कहें कि अंगूर की वेल के ना जोड़े होंगे ना अंगूर की वेल तो सप्प आते हैं, तो असं जो सुबह उठने ना अभी कहने कि जोड़ा है ना इतों सप्प जोड़ा ना इतने फिरता हों छोटा जहा सप्प तो वह जरा इतों फिरता जो ए सप्प उत्ते फिरता ना मिट्टी के तो वह सारिया जी लीक पै जाए पता लगता कि फिर सप्प फिर। तो अज जी है ना मैं गूगल मंगाई है तो असी जरा ना ठहर के जरा गूगल गूगल जी असी तहाने कहें गूगल तहाओ ना तो गूगल के नाल जो है ना सप्प जोड़े होंगे ना पज पुज जाते हैं सप्प नहीं रेंगे, तो असी थोड़ी देर में गूगल तहावे। मे असी सुबह वाक जाना कि एक औरत दस दी पई सी कि ना जी अंगूर की वेल है ना वो ना किसी ने अंगूर की वेल लाई सी तो वे ना सप्प जरा रहा तो ना रात को डरते ना अंदरों बहर नहीं निकलते, उन्होंने वाशरूम से जाना होंगे सी बहर नहीं निकलते जेडे सप्प हों ना अंगूर की वेल पर बह के तो शूकरा मारता से जो कोई बहर निकलता से डरते बहर नहीं निकलते, तो सुबह के टाइम वो जो है अपने सेन च फिरते तुरते रात को नहीं डरते बहर निकलते। तो मैंने सप्पा का बहुत ज़्यादा डर लगता, मैं जमीन पर ना कभी मैं गर्मियों से सुबह में लेटी हाँ तो ना कभी मैं सर्दियों से लेटी हूँ जमीन के उत्ते, एक दो दफ़ा मैं तकाफ से बैठी हूँ तो मैं सारी रात जाग भी नहीं सो सुबह में दो घंटे जरा है मैं डरती डरती मैं जी सौ नहीं सी, मैंने सप्पा तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। यह गल तो एक जी है गल मैं तुम होर शेयर करनी हाँ कि एक मेरी ना भैन बनी है तो उन्हें कहा कि बेशक तुम बाजी मेरी जी है ना बाजी ने मेरी भाभी कहती कि मेरी गल जी बेशक शेयर कर देना अपने व्यूअर ना। गल है कि शेयर मैं इस वास्ते बनाया कि जे अपने ही ना अपन खाते हैं तो जो अपने अपन धोखा देंगे ना तो कि तकलीफ होंगी है ये उ जानता है उद्दी को ना
वह बेचारी माड़ी गरीब है बेवा औरत है वो दो चार बेचे ने अम्मी ने उन्होंने ढाई मरले जगह दी सी उन्होंने भैन ने भी ढाई मरले जगह दी सी तो जी है ना उन्हें कहा कि बाजी तेरे तो चार पुत्र ने तेन ढाई मरले जगह थोड़ी वो भैन ने कहा तो जी है ढाई मरले जगह दे दे मैनू तो तेन मैं ना चार मरले जगह सैड से ले लाँगी ये जगह मेन तो सी जगह जी है ना जगह जी मेन तो सी तो उन्हें क्या क्या तेन ए वाली मेन वाली जगह तुम्हें पता अहमियत बहुत ज़्यादा होंगी उन्हें क्या ढाई मरले के बराबर तुम चार मरले जगह लग गया वो बेचारी माड़ी सी गरीब सी हर बंदा जरा माड़े बंदे मोहरा बना इधर निशाना बना गरीब से लालच आ गए साढ़े वर्गे माड़िया गरीबों ने लालच ही मारता या असं बहुत ही चक्कर से जरा थोड़ा वो भी गवा बैंने वो लालच में आ गई उन्हें क्या चलो मैं चार मरले जगह मैंने मिल जाएगी तो उन्हें जी भैन ने वो को जगह ले ली बाद उन्हें कहा जी नहीं मैं तो मेरी तीन गुजैश नहीं मैं नहीं लैके दे सकती तो तू मेरे को पैसे ले ला उन्हें दो दो हज़ार चार चार हज़ार पाँच पाँच हज़ार दस दस हज़ार करके उन्होंने वो पैसे उन्होंने दे दते पैसे वापस करते वो बेचारी ने जोड़े है पैसे हौली हौली गरीबी हैगी है बिल किन्ने किन्ने ज़्यादा किराए तो रही है वह बीमार रही उन्हें अपने तो कुछ ला लिया कुछ उन्हें मकाना के किराए वगैरह जोड़े बिल छिल उतार के इस तरह इस्तेमाल वो बेचारी ने जोड़े इस्तेमाल से लेंदे तो हूँ वो जी घरों अगे भी घर से नहीं है अगे भी किराए थे हूँ असल वो जी थोड़ी बहुत मीस से वह भी जी खत्म हो गई वो बहुत ज़्यादा बीमार से तुम्हें दसिया पेट के रसौलियाँ से रसौलियाँ का ऑपरेशन होना से शुगर नहीं कंट्रोल होंगी पी जिंद वजह से डॉक्टर ने कहा कि असं तेरा ऑपरेशन नहीं करना अगर तेरा ऑपरेशन असं कर दिता शुगर की वजह तेरा जख्म जरा ना खुल जाना तेरा जख्म जरा ना वो मिलना नहीं गा सही नहीं होना तो एक हज़ार का रोज़ का टीका लगना अगर तू लवा सकनी है तो ठीक उन्हें वो बड़ी तकलीफ के पेट रसौलियाँ तो बड़ी तकलीफ से उन्हें कहा कि मेरे वो कहती कि रातों दिन ना चढ़े मेरा ऑपरेशन हो जाए तो मैं इस बीमारी तो मेरी जान छोड़ दी मैं छुटकारा मिल जाए लेकिन डॉक्टर ने कहा कि मैं ऑपरेशन करके सैड तो हो जाना तो बाकी तू जाने तो तेरा काम जाने तो यह मैं दसन दई एक दसन का मेरा यह मकसद ये है कि वेखो जे अपने ही अपने खाते ढिडा ढिडा ढिड खाते हैं केंद्र जिन्होंने लई ला तो उन्होंने गई खा तो जिन्होंने लाने नहीं उन्होंने खाना की है वह बेचारी हूँ अपना इलाज कराने जी है आदर हुई है तो वो जी डॉक्टर साहब है बहुत ज़्यादा चंकी है उन्हें कहा कि तू जो ही आना ना तो बगैर परची बनवाए तो सीधा तू मेरे को आना जब काउंटर से तू कह देना कि मैं डॉक्टर शहजादी मैं चैक करवाना तो तू बगैर परची बनवा तो आके मैं चैक करवाना मैं अपनी फीस जी तेरे को नहीं लवानगी अगर हो सके तो मैं तेरी मदद भी करा तो फ्री लैके देवी उस दिन वो आई मैं मैं कमेटी देनी सी कमेटी में रखी सी जमा करके मैं कमेटी देनी सी तो मैं कह दी कि भाभी मैंने दो हज़ार रुपया दे तो मैं तुम्हें पता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा घर वर्गी कार मेरा बंदा भी मजदूरी करता कमेटी के पैसे रखे से मैं क्या मेरे को नहीं है तो जो वो घर चली गई तो मेरी बच्ची ने मैंने कहा कि अम्मी देखो एक हज़ार दो हज़ार बदले किसी इंसान की जान चली गई या किसी इंसान का इलाज ना हो किसी इंसान की जरूरत हज़ार दो हज़ार ना पूरी होंगी है तो कर देनी चाहिए है वह ना हो कि इंसान बाद सारी जिंदगी पछता रहे कि एक हज़ार दो हज़ार तो यह इंसान जी इंसान की जिंदगी जी चली गई है तो मदद जी अगर साढ़े दो हज़ार के नाल काम हों कर देना चाहिए फिर जो है मैं कमेटी के जो दो हज़ार रुपया कट के दे के फिर उन्हें चार हज़ार किसी को लिया दो हज़ार किसी को लिया इस तरह कर करा के उन्हें सत्त अठ हज़ार रुपया इकट्ठा किया जो उन्हें टैसट करवाने से पहले ऑपरेशन के बाद उन्होंने कहा कि नहीं हूँ हो सकता पहले टैसट करवाने से जो साढ़े चार हज़ार के टैसट फिर वो डॉक्टर ने उन्होंने डिस्काउंट दिता डिस्काउंट देकर वो जो टैसट होए ने तेरह सौ के टैसट होए तीन सौ की ए सी जी हुई सत्त सौ रुपया जाते जो असी परची बनवाई परची तो लगे फिर उन्हें स्टिका जड़िया वो लिया फिर उन्हें जी पेट के रसौलियाँ से तकलीफ सी वास्ते उन्हें दवाई लिख के दी वो हज़ार की आई स्टिका लिया तो इस तरह कर करा के पांच छः हज़ार रुपया लग गया तो देखने वाले आते हैं कि इन्ने पैसे इन्हें जमा कर लिया उसको दो फड़िया चार उसको फड़िया छे पांच उसको फड़िया अठ दस हज़ार इन्हें कर लिया तो इस तरह हो उस दिन ही वह क्योंकि मैं नाल गई सी मैंने पता उस दिन ही वह चार पाँच हज़ार रुपया जमा कर लिया से हूँ वह बेचारी बहुत परेशान है बहुत है कि बच्चे भी यतीम और बेचारी के बेरोज़गार ने तो बहुत परेशान है क्योंकि डॉक्टर ने जवाब दे दिता है ऑपरेशन तो उन्हें शुगर चैक कर दी रोज़ाना लेकिन वो शुगर जी है तीन सौ साढ़े तीन सौ तो घटती नहीं पई तो अल्लाह ताला उन्हें तंदुरुस्ती दे तुसी भी दुआ करनी है वो वास्ते अल्लाह ताला उसकी मुश्किल आसान करे तो मैं भी दुआ करा अगर किसी की हज़ार
ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਆ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੇਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਢਿੱਡਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਢਿੱਡ ਖਾਣ ਦੇ ਨੇ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਾੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਲਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਛੋਟੇ ਫਾਇਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਬੰਦਾ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਕ ਵਾਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਖਲਸ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਬ ਵਿਖਾਏ ਉਹਨੇ ਖਾਬ ਵੇਖ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਉੱਤਰ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੀਯਤ ਬਣਾਈ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਯਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਤੂਰ ਆ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਮਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਾਫ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਕ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਮਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਰ ਗਈ ਆ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੀਆਂ ਬਾਨਾਂ ਬੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਸੀਂ ਖਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਝ ਕਰਾਂਗੇ ਉਂਝ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਾ ਵਜਾਸਤਾ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।